कल्याणी, कुछ नहीं होगा आपको। कल्याणी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। कल्याणी, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, हिम्मत रखिए। भाग को रोकना होगा। कल्याणी, आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ही आपके दर्द का कारण बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आया हूं आपके पास, कुछ मत कहिए आप। मैं जानता हूं कि आप एक योद्धा है, एक वीर योद्धा। आप किसी परिस्थिति का मुकाबला कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही आपको खतरे में डाल दूं। मुझे आपको भारत जाने नहीं देना चाहिए। गलती है मेरी, एक भूल है मुझसे। आपकी गलती नहीं है बख्शी। आप भी डटी हुई क्यों नहीं समझ रही है? इतना कुछ हो गया, जानती है जब हमारा विवाह हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने बख्शी जगबंधु मैं बड़म्बा को बचा लूंगा, लेकिन सत्य तो यह है कि आपने कल्याणी ने जगबंधु को बचाया है। मैं नहीं था, लेकिन तूफान आते गए और आप उस दीपक की लौ की तरह हम डरी रही, अटी रही। वो लौ वो जलता रहा। आप सच में योद्धा है, सच में। तूफान अभी तक टला नहीं है बख्शी जी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूं। आप ही वो दिया है जिसकी लौ बनकर मैं जलती रहूंगी। देखिए आप, आपका शरीर तो तप रहा है, घाव के साथ बुखार, ये अच्छा संकेत नहीं है। मुझे किसी वैद्य को बुलाना होगा। कल्याणी, 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 काम अधूरा कैसे रह गया भैरव? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपने सबसे काबिल लोगों को भेजना उन्हें खत्म करने के लिए। पूरी तैयारी थी दादा, हम कल्याणी को मौत के घाट उतारने ही वाले थे के बीच मजाक बंद हुआ गया। भीम ने अपने आदमियों को भेजा, भेजा जगबंधु और कल्याणी को मारने के लिए। और फिर वो हुआ दादा, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमले के बीच में गलती से जगबंधु ने खंजर कल्याणी के पेट में मार दिया। क्या कहा तुमने भैरव? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा फिर से दोहराना। यही दादा, कि जगबंधु ने खुद अपने हाथों से कल्याणी के पेट में खंजर मार दिया, वो भी ऐसे कि अब कल्याणी का बचना मुश्किल है। भाभी, ओ भाभी, कुछ सुना आपने? हाँ, कितना गलत समझा था मैंने आपके बेटे को, मगर उसने तो रोडंग के सबसे बड़े दुश्मन उस कल्याणी को अपने हाथों से ही मार दिया। बड़ा महान काम किया है आपके बेटे ने।
आपका जीवन तो सफल हो गया। आज तो खुशी का दिन है। बैची, बैची दरवाजा खोलिए, बैची। अक्षय जगबंधु जी आप? बैची को बुला दीजिए। अरे कौन है? अब बैची, वो चलिए मेरे साथ, मेरी पत्नी कल्याणी घायल हो चुकी है, बहुत तेज बुखार भी है, शीघ्र चल के इलाज कर दीजिए। मैं अभी आता हूँ। बैची कहीं नहीं जाएंगे। आपने हमारी जमीनें उन फिरंगियों को बेचकर हम पाइकों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, इसलिए आज से हम आपकी मदद हरगिज नहीं करेंगे। और जिसने आपकी मदद करने की कोशिश की, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और आप क्या सोच रहे हो? आप वैद्य हो, मरीज की जान बचाना तो आपका धर्म है। जगबंधु जी की पत्नी की जान खतरे में है, आपको उनके पास जाना ही होगा। क्षमा कीजिए जगबंधु जी, मेरा एक धर्म और भी है, अपने परिवार की रक्षा करना। और आपके साथ आकर मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। क्षमा कीजिए। ये तो कमाल हो गया, कल्याणी से छुटकारा खुद जमाई जी दिला देंगे, ये कब सोचा था। चलो अच्छा है, अब राधा और जमाई जी के बीच कोई नहीं होगा। राधा, राधा वापस आ गई। राधा, 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 तुम आ भी गई, बिल्कुल सही समय पे आई हो। जानती हो वो अम्बा? अम्बा नहीं, कुल स्वामिनी अम्बा कहिए। क्या बकवास कर रही हो? एक दासी होकर इस तरह का स्वांग रचने का क्या मतलब? अगर समधन जी ने तुम्हें देख लिया, वो भी ऐसे, जानती हो क्या होगा? सच्चाई से सामना होगा, और क्या होगा? और सच यही है कि गदाधर जी रोडंग के बक्सी बनने वाले हैं, और मैं इस घर की कुल स्वामिनी। क्या? क्या हुआ, झटका लगा? मैं समझाती हूँ, भीम काका का अचानक से आ जाना, जगबंधु जी को बॉक्सी की कुर्सी से हटाना, और कल्याणी को हमेशा के लिए। ये सब इसीलिए तो किया कि मेरे गदाधर जी ये कुर्सी संभाल सके और मैं उनको उनकी पत्नी बनकर। आपके लिए भी अच्छा होगा कि अगर आप मुझसे इज्जत से बात करें। जैसे एक कुल स्वामिनी से की जाती है, समझी? Thank you.
शरीर का तापमान तो बढ़ रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे कि कम हो जाए, कैसे कैसे ठीक करूं आपको, क्या करूं, कोई तो तरीका होगा कम करने का। कल्याणी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।